चलिए अब हम एक बार आपको बाड़मेर की तरफ लेके चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने जायजा लिया मतगणना स्थल का। कॉलेज परिसर में शुरू हो गई है और यहाँ पर पहला जो रुझान है वो भी सामने आ गया और पहले रुझान में लगभग 2500 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी आगे बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो पूरी मतगणना की जो प्रक्रिया है वो पूरी व्यवस्थित तरीके से चलाई जा रही है। यहाँ पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ तैनात है। इसके साथ ही यहाँ जो कर्मचारी है वो पल पल की जानकारी बाहर दे रहे हैं। जो मीडिया रूम है वहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कौन क्या रुझान आ रहे हैं। फिलहाल पहले राउंड में बीजेपी आगे बताई जा रही है। कैमरा सहयोगी तनवीर के साथ अशोक शेरा, बाड़मेर। चलिए ये हमारे संवाददाता अशोक शेरा जो बता रहे थे मतगणना स्थल पर किस तरीके से मतगणना हो रही है और पल पल की जानकारी बाहर आ रही है। अनिल जी, अब कई रुझान सामने हैं, 300 प्लस पे रुझानों में एनडीए पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे आप? हाँ, 314 पर आगे है इस वक्त एनडीए जी, और दोनों ही सच निकल रहे हैं। मुझे लगता है सट्टा बाजार भी सच निकल रहा है और जी। जो एग्जिट पोल था इनमें 305, 306 कही गई थी, कहीं में जी आज तक ने 330 भी कही थी, 336 तक बोली थी जी, तो वो 336 तो शायद नहीं हो पाएंगी, लेकिन 305, 306 वाले एग्जिट पोल शायद सही निकलें एनडीए के। और इसमें भाजपा की कितनी अभी नहीं कह सकते जी। पर फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी और एनडीए वापस सत्ता में आ रहे हैं और इस वक्त इसमें अब संशय नहीं रह गया मेरे हिसाब से जी। कांग्रेस इतनी सीटों पर इतना पीछे है, राजस्थान में कई सीटों पर बीजेपी 50,000, 60,000 जी ऐसी लीड बना चुकी बिल्कुल है, बिल्कुल लीड बना चुकी है। अलवर में बालकनाथ 30,000 से ऊपर की लीड बना चुके हैं जी। अब ये देखिए कि वो चांदनाथ पहले सांसद थे जी, उनका निधन हो गया, वो कभी 4 साल में अलवर नहीं आए, उनके शिष्य बालकनाथ चुनाव लड़ने आ गए जी, हरियाणा में इनकी गद्दी, लेकिन वो जीतते चले जा रहे हैं। और जितेन सिंह जो वहाँ के राज परिवार से हैं, पहले सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे जी, जिनको विकास पुरुष वहाँ कहा जाता है, वो चुनाव में पीछे पिछड़ रहे हैं, हार रहे हैं। तो ये भी एक लोकतंत्र का अजब वो है, क्योंकि कहीं भी प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी का चेहरा चुनाव में कंसीडर नहीं किया गया है, सिर्फ मोदी मोदी और मोदी। मोदी जी ने अपने मुंह से ही कहा है जी कि आप कमल का बटन दबाइए और सीधा वोट मोदी के खाते में आएगा। तो वो इस बात को जानते थे जी, कि कई बार स्थानीय सांसद, निवर्तमान सांसद की नाराजगी भी होती है, बिल्कुल वो एक रो में बहाकर ले गए पूरे देश को जी, ऐसा लगता है। चलिए एक बार हम कोशिश करेंगे अलवर से हमारे प्रतिनिधि हैं चंद्रशेखर, उनसे बात करने की, कुछ ही समय में हम उनसे एक बार बात करेंगे। अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि किस तरीके के रुझान इस समय हमारे सामने आ रहे हैं राजस्थान में। 25 में से 24 सीटों पर करीब आगे चल रही है भाजपा, एक पर अन्य, तो मुझे लगता है अन्य, अनिल जी ये रालोपा को तो नहीं कहा जा रहा, वो हालांकि वो गठबंधन के साथ ही है भाजपा के। हाँ, लेकिन उसका अन्य मैं वो एक वही हो जी, 25 में किसी भी सीट पर कांग्रेस के आगे होने की समाचार इस वक्त नहीं है हमारे पास। तो 24 और एक अन्य को मिला के 24 की 24 में इसमें भाजपा 25 25 में से 25 इसमें जो भाजपा अलायंस इस समय आगे चल रही है। हम